केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज सुबह जनसंवाद यात्रा के माध्यम से दक्षिण पश्चिम नागपुर की जनता से संवाद साधा। इस यात्रा में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित थे। गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा विभिन्न क्षेत्रों का दौरा लोक संवाद यात्रा के माध्यम से किया जा रहा है, जहां वह अपने लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में घूमते हुए लोगों से प्रत्यक्ष मुलाकात भी कर रहे हैं, जहां देखा गया कि उनकी इस यात्रा में महिला, बड़े बूढ़े से लेकर युवा सभी सहभाग ले रहे हैं। इस श्रृंखला में आज भी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने आज सुबह जनसंवाद यात्रा के माध्यम से महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मतदार संघ यानी दक्षिण पश्चिम नागपुर की जनता से संवाद साधा। खामला परिसर में नितिन गडकरी और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जेसीबी से फूलों की वर्षा कर स्वागत किया गया। इस समय हमारी टीम ने लोगों से बात की तो उन्होंने जीत का विश्वास जताया। हमारा कोई उद्देश्य है, उद्देश्य है कि नितिन जी 5-7 लाख मतों से चुन के आए। आज नितिन जी के रहने से नागपुर शहर सुधरा है, जो 50 साल में नहीं सुधरा है। उद्देश्य क्या रहेगा, आने वाली 19 तारीख को चुनाव है और हमारे नेता नागपुर लोकसभा से खड़े है, तो हम सब कार्यकर्ताओं का फर्ज बनता है कि उनका भव्य अनोखे रूप से हम स्वागत करें। यहाँ पर क्रेन से हार डाला गया है, एक अलग से फूलों की वर्षा की व्यवस्था की गई है, रंग की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर एक स्क्रीन लगाई गई थी। ऐसे कुल मिलाकर गडकरी साहब के लिए हमने बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर किया गया। बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। ये जो उनका स्वागत है, इनके डेवलपमेंट का ही नतीजा है और हमारे खामला में पंजू जी तोतवानी, सुहास जी तोतवानी परिवार, खान परिवार और बाकी तमाम ही लोगों ने मिलकर उनका जो स्वागत किया है। और मैं एक हमारे मुस्लिम समाज से भी आह्वान करना चाहता हूँ कि सभी लोग साहब को वोटिंग करें और बचे हुए कामों में भी उनका जो काम रुके हुए हैं उनको आगे करने के लिए प्रोत्साहन करें। ये बहुत ही आसान तरीके से नितिन जी पार कर लेंगे 5 लाख, क्योंकि जनता का सपोर्ट, नागपुर का डेवलपमेंट, इसके चलते हुए 5 लाख बहुत छोटी सी एक आंकड़ा है जिसे हम सब कार्यकर्ता मिलके जरूर कामयाब करेंगे। ये सब गडकरी जी का डेवलपमेंट है और उनका विकास है और उन सबका प्यार है जो हमेशा बना रहेगा और इसी तरह स्वागत होता रहेगा। इस संवाद यात्रा में उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, आशीष देशमुख, सुलेखा कुंभारी उपस्थित थी। कैमरा पर्सन राजकुमार बहुट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट।